मोमिनीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हज़रात इकराम कायद, आज की ये महफिल है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुसलसल 39वें दौर में दाखिल हो चुकी है। बहुत खुशनसीब हैं आप हजरात कि आपकी बस्ती में, आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके मुल्क में ये रूहानी और नूरानी महफिल मुनाकिद है। मैं बहुत ही फख्र के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ये 39वीं महफिल जो कैराना से शुरू होकर और अब मंगलौर में चल रही है मुसलसल, इसकी कुछ खसूसियात ये भी रही हैं। अल्लाह के फजल करम से मौला के सदक़े में मौला जिससे जो खिदमत लेना चाहें ये उसके लिए बाई से शर्फ है। बहरहाल मुझे खुदा का शुक्र है, मुझे इस बात पर बहुत फख्र है कि मेरे खानवादे के मेरे बच्चे भी, मेरे भाई, मेरे बरादर सब इसको बहुत ही, यानी ये नहीं कि करनी पड़ रही है, बल्कि तमाम साल हम लोग इसका इंतज़ार करते हैं कि ये दिन आए और इस महफिल का इनेकाद हो और तमाम मोमिनीन की हम ज़ियारत कर सकें। ये दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी बात यह है कि मैं 2 मिनट आपके लेना चाह रहा हूँ, इसलिए कि हमारी इन महफिल में जो शोरा इकराम यहाँ तशरीफ इस वक्त भी मौजूद हैं वो हिंदुस्तान की किसी महफिल में एक साथ जमा नहीं होते। ये भी मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अल्लाह का करम एहसान है कि इस महफिल को ये शरफ हासिल है। दुनिया यानी जहाँ तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले और उनके आज़ादार, उनके मातमदार जहाँ जहाँ तक भी हैं, इस वक्त भी 72 मुल्कों में ये महफिल आपकी देखी और सुनी जा रही है। इस महफिल की एक खसूसियत ये कि इस महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। एक बहुत छोटे से बच्चे ने इस महफिल का आगाज़ किया था तिलावत कलाम पाक से, जो पहली महफिल थी, और वो बच्चा भी है आपके वतन का, जो इस वक्त मौलाना मेराज मेहदी हैं। मुसलसल 39वीं ये उनकी तिलावत थी। दूसरे तिलावत के बाद निज़ामत, ये भी एक रिकॉर्ड है कि किसी एक नाज़िम ने मुसलसल 39 मरतबा एक ही महफिल की निज़ामत की। एक दरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। वो खुश नसीब डॉक्टर नाशीन नकवी साहब जो कॉलेज के ज़माने से अब रिटायर हो गए, अभी तक इस महफिल में मौजूद है। एक और दरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। डॉक्टर नाशीन नकवी साहब का मैं तारुफ नहीं करा रहा हूँ, ये बहुत सी खसूसियात के हामिल हैं। बहरहाल ये बताना था कि 39वीं महफिल के आप नाज़िम हैं और भाई मैं भी उनके तवसुल से 39वीं महफिल का कन्वीनियर हूँ। मेरे बरादर खुद अली हैदर वो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, वो 39वीं महफिल के ऑर्गेनाइज़र। तो एक और दरूद पढ़िए, बहरहाल ये एक सिलसिला रहेगा। तो हमारी इस महफिल के, अब ये महफिल असल में हमारे इंतज़ाम में नहीं है, बल्कि हमारे बच्चे इसको देख रहे हैं सब। माशाल्लाह मेरे ख़ानदान के बच्चे, भतीजे, भाई सब सबको इसी यही शौक़ है, पूरे एक साल हम इसी के लिए ज़िंदा रहते हैं। तो आज इंशाल्लाह उसमें कुछ खुसूसी एजाजात भी हैं जो इस महफिल के तवसुल से उन तक, उनकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। तो उनमें सबसे पहले तो डॉक्टर नाशीन नकवी साहब जो इस वक्त मौजूद हैं, वो एक कभी साहिब सदर आ जाएं और कुछ हजरात यहाँ आ होंगे तो इंशाल्लाह वो सिलसिला भी होगा।
अब मैं आज की इस महफिल की निजामत हस्बे दस्तूर हस्बे साबित डॉक्टर नाशीर नकवी साहब के सबूत करता हूँ कि वो इस महफिल का निज़ाम संभालें और इसकी निजामत फरमाएं। एक दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले।